हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया ना। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक नया और बेहतरीन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, जो आपकी ऑप्टिक्स होती है, पिछले यूनिट में हमने बताया ऑप्टिक्स के दो ब्रांच होते हैं, रे ऑप्टिक्स और फिर क्या होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड फिर क्या होता है वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग इस चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, रे ऑप्टिक्स में क्या होता था? रे ऑप्टिक्स में हमने सीखा था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और क्या सीखा था? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यहाँ पे जो लाइट का नेचर है वो ये सपोज किया गया था कि आपका लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर की हो करता है। कैसा होता है? पार्टिकल की तरह रिएक्ट करता है। तो लाइट को एज अ पार्टिकल कंसीडर करके हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की थ्योरी प्रूव की थी। ठीक है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है? वेव ऑप्टिक्स में ऐसे दो तीन चीजें और है, दो तीन फिनोमिना और है, जैसे इंटरफेरेंस हो गया और डिफ्रैक्शन हो गया। इंटरफेरेंस और क्या हो गया? डिफ्रैक्शन। इन दोनों फिनोमिना को आप पार्टिकल कंसीडर करके इनको प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइट का वेव नेचर शो होता है। कैसा नेचर शो होता है? वेव नेचर। तो ये माना गया कि लाइट जो है वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पार्टिकल मान के हम लोगों ने सीखा था, और वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। क्या? पोलराइजेशन। इन सभी चीजों को हम वेव नेचर मान के लाइट को प्रूव करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। तो क्या होता है? अच्छा, और अच्छी चीजें समझते हैं, जैसे उनको मिटाते हैं। जैसे आपका थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर अगर इसको हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो इसका पारा ऊपर चढ़ने लगता है। थर्मामीटर का जो पारा है वो ऊपर चढ़ने लगता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि लाइट में हीटिंग इफेक्ट होता है, प्रकाश में हीटिंग इफेक्ट होता है। और हीट आपकी एक एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। एनर्जी को चलने के लिए, ठीक है, दो तरीके की एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकती है। या तो पार्टिकल के रूप में हो तब जा सकती है, या फिर वेव नेचर में हो, वेव के फॉर्म में हो तब चल सकती है। एनर्जी क्या होती है? आपकी पार्टिकल हो तब जा सकती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, या फिर क्या हो आपकी लाइट? लाइट आपका वेव नेचर शो करे तब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एनर्जी आपकी जा सकती है। इन दोनों थ्योरी को मान करके अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी एक थ्योरी दी थी। तो सबसे पहले जो है 1675 की बात है, 1675 हमारे वैज्ञानिक थे न्यूटन सर। ठीक है, न्यूटन सर ने अपनी एक थ्योरी दी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने एक थ्योरी दे दी थी 1675 में। इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया जो आपका सोर्स होता है, लाइट का सोर्स होता है, उससे बहुत सारे टिनी पार्टिकल निकलते रहते हैं, बहुत से छोटे छोटे कण निकलते रहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना जो पहली थ्योरी थी उसमें क्या इन्होंने बताया कि द लाइट इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल कॉर्पस्कल। इन्होंने बताया जो आपका सोर्स है, कोई भी आपका सोर्स होता है, उससे जो लाइट एमिट होती है, निकलती है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में निकलती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में निकलती है। द लाइट इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। अच्छा, उन्हीं पार्टिकल को क्या नाम दे दिया न्यूटन साहब ने? कॉर्पस्कल। क्या नाम दे दिया? कॉर्पस्कल। ठीक है, अच्छा, विच आर एमिटेड बाई अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो किससे निकलते हैं? किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, मतलब लाइट सोर्स से निकलते हैं। जैसे आपका एक लाइट सोर्स है, कोई बल्ब हम मान लेते हैं, ये एक आपका क्या है? सोर्स है। इससे जो एनर्जी लाइट निकलेगी वो छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में, ऐसे हमको पता है लाइट ऐसे कभी निकलती है। तो यहाँ पे क्या है? लाइट एक पार्टिकल
पार्टिकल के रूप में निकल रही है। किस फॉर्म में निकल रही है? छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में लाइट निकल रही है, और ये पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ इलास्टिक होते हैं, मासलेस होते हैं। तो उन्होंने माना, न्यूटन साहब ने माना, इनका जो मास बहुत नगण्य होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो द लाइट इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, जो लाइट होती है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है ना, कार्बन कार्पस्कफ, इन्हीं पार्टिकल को कार्पस्कफ कहा जाता है। और ये पार्टिकल कहाँ से निकलते हैं? किसी लूमिनस ऑब्जेक्ट से, मतलब सोर्स ऑब्जेक्ट से निकलते रहते हैं। अच्छा, ये टिनी पार्टिकल क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं, मासलेस होते हैं, रिजिड होते हैं। ये तो इनका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड मिनर होता है, कार्पस्कल, ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो कार्पस्कल होते हैं ये किस स्पीड से ट्रैवल करते हैं? लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। कैसे ट्रैवल करते हैं? लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, इन ऑल डायरेक्शन, इन स्ट्रेट लाइन, अच्छा, कहने का मतलब यह है कि किसी लाइट फोर्स से जो कार्पस्कल्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये लाइट की स्पीड से, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, सभी डायरेक्शन में क्या होते हैं? ट्रैवल करते हैं और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ये किसकी थ्योरी थी? न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी थी, ठीक। चलो थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम स्पीड। न्यूटन साहब रिकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है, ये क्या है? वाटर है। जो लाइट की स्पीड है एयर में कम होगी, स्पीड जो है वो एयर में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वाटर में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ये भी न्यूटन साहब ने हमने सेकेंड उसमें बताया था, ठीक। तो कार्पस्कल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, इन स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, एक साथ ही इन्होंने एक पॉइंट बताया कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? कम होती है, ठीक। चौथी, ये थ्योरी मानी क्यों गई? इस नाम की वजह से, ठीक है, इस नाम की वजह से। न्यूटन के नाम में इतना ज्यादा जो है वजन है, इनका पहले नाम चलता था, पहले क्या होता था 1675 में इनके टाइम में इनका ही पौवा चलता था, तो इसी इन्हीं नाम की वजह से इनकी थ्योरी जो है मान ली गई थी। अच्छा, थर्ड पॉइंट मैंने बताया, डिफरेंट कलर ऑफ कॉर्पस्कल्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। क्या है इसका मतलब? इन्होंने ये बताया कि जो आपके कार्पस्कल्स के कलर होते हैं, हर कलर के लिए उनकी शेप एंड साइज क्या होती है? अलग अलग होती है। विवग्योर हमने पढ़ा था, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें विवग्योर का तो होगा, इसकी जो शेप और साइज है, इसका कलर भी है मतलब वायलेट कलर का है, तो इसकी शेप एंड साइज कुछ और होगी। रेड कलर की शेप एंड साइज क्या होगी? अलग अलग होगी। तो डिफरेंट कलर ऑफ कार्पस्कल्स, तो हर कलर के कार्पस्कल्स की शेप और साइज क्या होती? अलग अलग होती है। तो ये न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी थी, 1675 में इन्होंने बताया, किसमें बताया? 1675। अच्छा, इस थ्योरी से, ये थ्योरी इनकी मान ली गई उनके टाइम, इस थ्योरी की हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। इसको आप नोट कर लो। अच्छा, हम लोग इससे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? कैन एक्सप्लेन क्या? पहली चीज आप इसके हेल्प से क्या, प्रोपागेशन ऑफ लाइट।
तो पहली चीज क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उन्होंने बताया था कि लाइट किधर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, क्यों? क्योंकि जो लाइट के पार्टिकल होते हैं, कार्पस्कल होते हैं, इनका मास बहुत कम होता है और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। प्लीज ध्यान से समझना, इनका जो कार्पस्कल है, ठीक है, कार्पस्कल है, इनका जो मास है बहुत कम होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है और इसीलिए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते चले जाते हैं। क्लियर हुई बात? मास कम होता है, मास कम क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नहीं लगता है, इसीलिए जो कार्पस्कल होते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। दूसरा क्या होता है, ये क्या एक्सप्लेन कर सकता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, इसकी हेल्प से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिफ्लेक्शन को शो कर सकते हैं। तीसरा रिफ्रैक्शन, क्या रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में इन्होंने बताया था कि जो आपकी लाइट होती है ये रेयर मीडियम है और ये क्या होता है, डेंसर मीडियम, क्या होता है, डेंसर मीडियम। जैसे कोई लाइट है रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही थी, इन्होंने बताया कि डेंसर में जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल होते हैं, मीडियम के पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, सोर्स के पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, मीडियम के पार्टिकल इस पर फोर्स लगाते हैं, स्ट्रांग फोर्स लगाते हैं, तो जो मीडियम के पार्टिकल है वो इसको अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं और नेट जो फोर्स लगता है वो नीचे की डायरेक्शन लगता है, इसलिए लाइट को सीधे निकल जाना चाहिए था, ये सीधे ना जा करके मीडियम या फिर नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है और यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन बाद में फोको नामक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि इनकी थ्योरी क्या है, गलत है, ये कॉन्सेप्ट इनका जो है सही नहीं है, रेयर मीडियम में क्या होता है, उन्होंने प्रूव किया, फोको ने प्रूव करके बताया कि रेयर मीडियम स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम स्पीड क्या होती है, लाइट की कम होती है। तो रिफ्रैक्शन को हम लोग इसके माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो, क्या नहीं, इस थ्योरी में न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी में क्या क्या फेलियर थे, असफलताएं क्या क्या थी, कहां पर न्यूटन साहब फेल हो गए, वो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फेलियर्स या फिर कैन नॉट एक्सप्लेन, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको न्यूटन साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनकी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कैन नॉट एक्सप्लेन। तो पहली चीज क्या होती है, इसकी हेल्प से हम लोग इंटरफेरेंस को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को सेप्टम डिटेल समझने वाले हैं, और डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, इतनी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और होती है, एक चीज ये है कि इन्होंने बताया क्या, डेंसर मीडियम स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, रेयर मीडियम स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो इन्होंने बताया कि डेंसर की जो स्पीड होती है, डेंसर मीडियम में जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेयर मीडियम स्पीड, रेयर मीडियम स्पीड। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट इनका क्या था, गलत था, फोको ने इसको प्रूव करके बताया कि रेयर मीडियम स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम स्पीड क्या होती है, कम होती है। अच्छा, तीसरी चीज क्या होती है, इन्होंने बताया कोई सोर्स है, सोर्स से पार्टिकल निकलते रहते हैं, क्या निकलते रहते हैं, पार्टिकल, जिनको हम लोग बोलते हैं कार्पस्कल, क्या बोलते हैं, कार्पस्कल बोलते हैं। अगर किसी सोर्स से लगातार पार्टिकल निकलते रहेंगे तो एक दिन सोर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका कोई मास नहीं होगा, समझो मेरी बात, ठीक है। इन्होंने ये बताया था कि लगातार इससे क्या निकलते रहते हैं, कार्पस्कल निकलते रहते हैं, पार्टिकल निकलते रहते हैं, तो एक दिन सोर्स क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो ये क्यों होता है, ये चीज भी एक्सप्लेन न्यूटन साहब नहीं कर पाए। तो ये कुछ फेलियर थे जिन्होंने न्यूटन की थ्योरी को गलत कर दिया, ठीक है। तो पहले तो 1675 तक ये थ्योरी मानी गई, 1675 से 1850 जब तक पोलराइजेशन की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, पोलराइजेशन को प्रूफ नहीं किया गया तब तक इनकी थ्योरी मानी गई। लेकिन क्या होता है, बाद में इतने समय में इनकी थ्योरी को गलत कर दिया गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन कौन सा कॉन्सेप्ट मान करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो इसी साथ जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो पार्टिकल फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और वेव फॉर्म में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं वेव थ्योरी,
पार्टिकल थ्योरी हमने समझ ली, अब वेव थ्योरी की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो न्यूटन साहब ने पार्टिकल की थ्योरी दी थी, ठीक है। अब एक हमारे साइंटिस्ट थे हाइगेंस, ठीक है, हाइगेंस वेव थ्योरी, इन्होंने वेव थ्योरी दी थी, ठीक है। अब कितने में, 1678 में, 1677 में इन्होंने वेव थ्योरी दे दी थी, लेकिन उस टाइम न्यूटन की थ्योरी के सामने इनकी थ्योरी मानी नहीं गई। 1678 में ही वेव थ्योरी आ गई थी, लेकिन ये थ्योरी किसी ने मानी नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में होते करते ये माना गया कि हाँ, हाइगेंस साहब की जो थ्योरी थी वो सही थी। अब इन्होंने क्या थ्योरी दिया वो हम लोग समझते हैं। इन्होंने बताया कि जो आपकी लाइट होती है वो पार्टिकल फॉर्म में तो चलती है, लेकिन वो वेव फॉर्म में चलती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म में, ठीक है। जो एनर्जी होती है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना होता है, मीडियम की जरूरत पड़ती है, इन्होंने एक मीडियम मान लिया, कौन सा मीडियम, ईथर। क्या मान लिया, ईथर मान लिया। कि उन्होंने बताया, हाइगेंस साहब ने बताया कि ईथर एक ऐसा मीडियम है जो हर जगह है, क्या है, हर जगह है, ठीक। अच्छा, इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेंसिटी बहुत क्या होती है, कम होती है, इसलिए लाइट हमारी इजीली यहाँ पर ट्रेवल कर सकती है। तो इनकी हाइगेंस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, द लाइट इज फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन्होंने बताया कि जो लाइट होती है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अगर वेव है तो इसको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ी है ना, विच रिक्वायर्स मीडियम। अच्छा, वो मीडियम कौन सा माना गया, ईथर मान लिया गया। क्या मान लिया गया, ईथर। इन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में हर जगह एक ऐसा मीडियम है, ईथर मीडियम है, जो कि हर जगह मौजूद है। अब हमको पता है सन से जो है, सन से अर्थ तक लाइट आनी है, क्या आनी है, लाइट। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वैक्यूम है, साइंटिस्टों ने क्या कहा, यहाँ वैक्यूम है। अगर आप कह लो कि जो आपकी लाइट है ये वेव है, तो सन से अर्थ तक कैसे आ रही है। तो इन्होंने बताया यहाँ जो मीडियम है वो ईथर है, वैक्यूम नहीं है, कौन सा मीडियम, ईथर है। और इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, और डेंसिटी क्या है, बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है। इलास्टिसिटी ज़्यादा हो गई, डेंसिटी बहुत कम हो गई, इसलिए जो लाइट है ये इजीली यहाँ पे ट्रेवल कर सकती है, इस मीडियम में लाइट जो है आपकी इजीली ट्रेवल कर सकती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था हाइगेंस वेव थ्योरी। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको आप समझ लो, कैन एक्सप्लेन हाइगेंस की थ्योरी से हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन को भी इन्हीं की थ्योरी से आप प्रूव कर सकते हो। आप वेव मान के, लाइट को वेव कंसीडर करके रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हो, हम लोग प्रूव भी करेंगे। रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक। इतनी चीजों को आप व्यू मान के प्रूव कर सकते हो, लेकिन इनकी थ्योरी के हिसाब से हम लोग पोलराइजेशन को प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो एक हमारे साइंटिस्ट है फ्रेनर, ठीक है, इन्होंने लाइट को लॉन्गिट्यूडनल ना मान करके ट्रांसवर्स मान लिया। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लाइट हमारी ऐसे ही ट्रेवल करे, ठीक है, और ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे ऐसे करके ट्रेवल करे। तो देखो भैया, होता क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्स मान करके हम पोलराइजेशन को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, वेव है, इन्होंने बताया कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट जो है सीधी कैसे चलेगी। इन्होंने बताया कि वेव होती है उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, क्या होता है, वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, इसलिए लाइट को आप ये मान सकते हो कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये वेव फॉर्म ही है, लेकिन फिर भी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है।
ठीक, तो इतना कॉन्सेप्ट था हाइगेंस वेव थ्योरी का। द लाइट इज फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, इन्होंने माना था लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन बाद में ये पता चला कि लाइट कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक। अच्छा, अब वेव है तो इसको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ी, विच रिक्वायर्स मीडियम। वो मीडियम इन्होंने कैसा मान लिया? ईथर मान लिया। ईथर माना, क्यों ईथर माना गया? क्योंकि ईथर की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है और इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। अब इस थ्योरी को मान करके हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्रोपगेशन ऑफ लाइट प्रूव कर सकते हो आप लोग, और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, लेकिन पोलराइजेशन को आप नहीं प्रूव कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने माना था लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो है पोलराइजेशन नहीं होता है। कैसे वेव होता है? ट्रांसवर्स वेव में। इन्होंने प्रूव किया था फ्रेनल में, किसमें? फ्रेनल। हम लोग आगे समझेंगे इसको। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हाइगेंस वेव थ्योरी का, ठीक। आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताए। अब हम लोग पढ़ेंगे वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट क्या होता है? देखिए, वेव फ्रंट को समझने से पहले कुछ चीज़ें आप सीख लो। जैसे आप तालाब पे कोई पत्थर छोड़ते हो तो वहाँ पे एक फिनोमिना होता है, वेव निकलती है, ठीक है, एक स्फेरिकल वेव निकलती है कुछ इस प्रकार से। जैसे आप पत्थर छोड़ते हो तो यहाँ पे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ना, आपकी वेव जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो फ्रंट में जो आपका वाटर वो उभर के सामने आता है, फिर एक लेयर बनती चली जाती है वाटर की। क्या बनती चली जाती? लेयर बनती चली जाती है ऐसे करके। यहाँ पे आप दूसरा जो है एक साथ दो, आप जो है पत्थर के टुकड़े छोड़ते तो कुछ ऐसे बन के यहाँ पे ऐसे करके जो है वेव फ्रंट बनती चली जाएगी, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। डिस्टर्बेंस होता है वाटर में, क्या होता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और आपका जो है वाटर हल्का सा फ्रंट साइड में उभर करके बाहर आ जाता है, फिर एक आगे जो है उसकी लेयर बनती चली जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। इसको आप समझने के लिए कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, वेव फ्रंट द लोकस ऑफ आल पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो मतलब जितने भी आपके लोकस होते हैं, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल, सभी पार्टिकल के जो लोकस होंगे वो सेम फेज में वाइब्रेट करने चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम फेज में वाइब्रेट। जैसे कि यहाँ पे आपका कोई सोर्स है, ये क्या है? लाइट का सोर्स है, ठीक। अच्छा, यहाँ से वेव निकल रही है ऐसे, सभी डायरेक्शन में वेव निकल रही है ऐसे करके, ठीक। अब यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे, मान लेते हैं इनके डिस्टेंस है कुछ भी है 5 सेंटीमीटर, सोर्स से जो आपका पार्टिकल इसके डिस्टेंस कितने 5 सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर में ये आपका जो पार्टिकल है, ठीक, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे जो पार्टिकल है और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये जो पार्टिकल है, ये सभी क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। फेज का मतलब इनके बीच, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो सेम होगी, डिस्टर्बेंस सेम क्रिएट होगा ऐसे करके, ठीक है। तो सभी के बीच जो फेज होगा, फेज डिफरेंस होगा, क्या होगा? सेम होगा। अब कुछ समय बाद और मान लेते हैं 2 सेकंड बाद सभी पार्टिकल कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज आपकी कहलाती है वेव फ्रंट। क्या कहती है? इसमें जो सभी लोकस हैं, सभी पार्टिकल हैं, ठीक, ऑल पार्टिकल, ये सभी वाइब्रेट करते हैं। सभी बढ़ेंगे तो सभी एक साथ बढ़ेंगे, ठीक है, सभी एक साथ वाइब्रेट करते हैं सेम फेज में। फेज का मतलब आप कह सकते हो कि इनके यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप लोग। हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। तो इनके बीच पार्टी जो सोर्स है, सोर्स से यहाँ के बीच का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यही हमारा क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रंट भाग, ठीक है, जो वेव है, वेव का फ्रंट भाग उभर के जो बाहर आ रहा है वो आपका वेव फ्रंट कहलाएगा। द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल, सभी पार्टिकल का जो प्लेस है, ठीक है, वो वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, सभी जो है पार्टिकल वो सेम फेज में एक साथ वाइब्रेट होंगे। अगर ये बढ़ेंगे भी तो एक साथ बढ़ेंगे, सोर्स से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सबकी इक्वल होगी। यही हमारा कहलाता है वेव फ्रंट। क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। अच्छा,
और इसके बाद हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट कितने प्रकार के होते हैं, जो वेव फ्रंट है कितने प्रकार के होते हैं। देखो ये डिपेंड करता है आपका लाइट सोर्स कैसा है, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट अगर आपका लाइट सोर्स पॉइंट साइज का है, पॉइंट साइज का, ठीक है। अब ये लाइट सोर्स पॉइंट साइज का है, सभी डायरेक्शन रेज निकलेंगी, सभी डायरेक्शन वेव निकलती है ना, वेव बनेंगे, वेव निकलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वेव फ्रंट वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। पॉइंट सोर्स है, जैसे ये पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो लाइट निकलेगी वो सभी डायरेक्शन निकलती है, सभी डायरेक्शन, तो एक स्फेयर का शेप बनेगा। तो इस प्रकार के वेव फ्रंट को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर आपका जो सोर्स है वो पॉइंट शेप का है, किसका, पॉइंट साइज का है, तो उससे जो वेव फ्रंट क्रिएट होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक, चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है। अगर आपका जो सोर्स है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, मतलब लाइन के टाइप का, ऐसे करके, ठीक, ये मान लेते हैं। जैसे आपने ट्यूब लाइट देखी है, ट्यूब लाइट, अगर ट्यूब लाइट पे जो रेज निकलती है वो कुछ ऐसे निकलेंगे, ऐसे करके निकलती है, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा यहाँ पे, या फिर आपका जो ट्यूब लाइट में जो बनता है वेव फ्रंट कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके सभी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल। अगर आपका जो सोर्स है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये जैसे है किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो इससे जो लाइट क्रिएट होगी, इससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा वेव फ्रंट होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। सोर्स पे डिपेंड करता है, जैसा सोर्स होगा वैसा ही वेव फ्रंट बनेगा। तो क्या होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, अगर हमारा लाइट सोर्स सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट क्या कहलाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाएगा। आपके एग्जाम में अगर वेव फ्रंट पूछा जाता है तो आपको टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, ठीक, प्लेन वेव। जैसे आपने मोबाइल की डिस्प्ले देखी, वो सामने वाला पोर्शन क्या होता है, प्लेन होता है, उससे कुछ पैरेलल बीम निकलती है। बीम का मतलब क्या होता है, बहुत सारी रेज निकलती है। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वेव फ्रंट, इसको और बड़ा कर लूंगा, ठीक है, यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा वेव फ्रंट होता है, कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। जो मोबाइल का डिस्प्ले होता है उससे लाइट रेज क्या होती है, कुछ इस प्रकार से निकलती है। तो इससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो अगर आपका लाइट सोर्स पॉइंट साइज का है, पॉइंट साइज का है, तो इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। अगर आपका लाइट सोर्स सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो उससे बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाएगा। अगर आपका लाइट सोर्स क्या है, प्लेन है, प्लेन फॉर्म में है, तो उससे बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। बात क्लियर हुई, क्लियर हुई। चलो अब ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो आप हम चलते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पर, जो कि हाइजेंस प्रिंसिपल। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप हाइजेंस प्रिंसिपल को समझ पाओगे तो इसी के हेल्प से हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन समझेंगे, ठीक है। चलो तो इसको मिटाया जाए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना, थोड़ी इसकी वर्डिंग जो है वो डिफिकल्ट है, आपको ऐसी सभी चीज़ें लिखनी होती हैं, आपको वर्डिंग पे ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे समझो ये कहीं पे हमारी आग जल रही है, इसमें आग के बहुत सारे पार्टिकल हैं, क्या है, बहुत सारे पार्टिकल हैं। कोई एक पार्टिकल ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे हम फिर से क्या पकड़ा सकते हैं, आग पकड़ा सकते हैं, आग जला सकते हैं इस पार्टिकल की हेल्प से, ठीक है। क्योंकि मान लो कोई कोयला है और ये जल रहा है, इसकी हेल्प से कहीं इस जलते हुए कोयले को दूसरी जगह पे ले जाएंगे, वहां फिर से क्या हो जाएगी, आग जलने लगेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सोर्स। इससे फिर से आप कहीं भी कोई छोटा सा पार्टिकल ले जाओ, उसकी हेल्प से फिर से आप आग जला सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है,
ध्यान समझना, ये हमारा कोई सोर्स है, क्या सोर्स है, इस सोर्स से क्या निकल रही है, तो वेव फ्रंट निकल रहा है। अब वेव फ्रंट में बहुत सारे जो पॉइंट हैं, जितने भी वेव फ्रंट में पॉइंट हैं, ठीक है, वो ऐसा बिहेव करेंगे जैसे वही मेन सोर्स हो, ठीक है। अब ये सोर्स फिक्स हो जाएंगे, इन सोर्स से फिर से जो है क्या निकलेगा, वेव फ्रंट निकलता है, इन सभी सोर्स से फिर से क्या निकल रहा है, एक वेव फ्रंट बन रहा है, समझो। तो वही चीज यहाँ पे, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, ये कैसा बिहेव करते हैं, फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, इनको लगेगा कि क्या है, एक नए सोर्स है, न्यू सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, आप न्यू डिस्टर्बेंस। अब इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। इनसे क्या बनेगी, एक वेवलेट्स बनेंगी स्फेरिकल शेप में, ये हमारी क्या बन रही है, वेवलेट्स बन रही है, क्या बन रही है, वेवलेट्स बन रही है, इनसे फिर से क्या निकलेगा, एक वेव फ्रंट बनेगा। तो यही चीज हमारा पहला पॉइंट कह रहा है, एवरी पॉइंट ये मेन सोर्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया। फिर से समझ लो, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होंगे एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स, इनको लगेगा कि ये एक फ्रेश सोर्स है, ठीक है, इनसे फिर से लाइट निकलेगी, ये वेवलेट है, सभी डायरेक्शन में क्या हो रही है, लाइट निकल रही है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, ये प्राइमरी वेवलेट होता है, प्राइमरी सोर्स होता है, मेन सोर्स होता है, ठीक है, ये मेन सोर्स है। अब यहाँ पे पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसा बिहेव करेंगे जैसे यही मेन सोर्स हो, और यहाँ से फिर से लाइट इमिट होगी, फिर से लाइट निकलेगी, और इन्हें हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट या सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, ये पॉइंट आपके सोर्स कहलाएंगे, और ये जो स्फेरिकल का शेप बना है ये वेवलेट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वेवलेट्स कहलाएंगे, समझ में आया, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स, ठीक है, आप न्यू डिस्टर्बेंस, इनसे फिर से डिस्टर्बेंस बनेगी ऐसे करके, ठीक है, फिर से डिस्टर्बेंस बनेगी, और इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, चलो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द न्यू सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पे आपका वेव फ्रंट था, सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, इस पे सभी पॉइंट है, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, वेवलेट बन रहा है, और ये वेवलेट क्या हो रहे हैं, सभी डायरेक्शन में हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सभी डायरेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं। द न्यू सेकेंडरी वेवलेट, जो सेकेंडरी वेवलेट बन रहे हैं, स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन फैले, इनसे जो आपकी लाइट है वो सभी डायरेक्शन में इमिट हो रही है, ठीक है, विद स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट, किस स्पीड से मूव करते हैं, किस स्पीड से चलते हैं, लाइट की स्पीड से, 3×10⁸ की स्पीड से। तो द न्यू सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होंगे, सभी डायरेक्शन में फैलेंगे, किसकी स्पीड से, लाइट की स्पीड से। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको और ध्यान से समझना है, द टेंजेंट ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। अब आप बताओ, मेन सोर्स हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया, ये हमारा वेव फ्रंट हो गया, क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, पॉइंट होंगे, हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिए, पॉइंट है, दिन पे क्या होगा, चलो अब हम मान लेते कुछ समय, हमको पता है डिस्टेंस बराबर कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल में स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू में क्या होता है, टाइम होता है, टाइम, ठीक, स्पीड इनकी कितनी है, मान लेते स्पीड वी है और टाइम कितना है, टी है, ये पॉइंट जो है वी स्पीड से भाग रहे हैं और कितने टाइम है, टी टाइम, टी टाइम में कितना, कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, वी टी डिस्टेंस। स्पीड अगर इन सभी पार्टिकल की जो है, जो सभी पॉइंट है, अगर वी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, इनका टाइम टी लग रहा है, तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी, वी टी कवर होगी। तो इस पॉइंट पे रख के वी टी रेडियस का आप एक आर्क ड्रा करते हो, यहाँ पे आप क्या खींचते हो, आर्क खींचते हो, यहाँ पे आप आर्क खींचते हो, यहाँ पे आर्क खींचते हो, ठीक, आप इनसे वेवलेट भी बना सकते हो। ये हमारा क्या बन रहा है, वेवलेट बन रहा है, क्या बन रहा है, वेवलेट, क्या बन रहा है, वेवलेट। अब इसकी रेडियस कितनी है, वी टी है, इस वेवलेट की रेडियस कितनी है, वी टी है। कहना क्या जा रहा है, द टेंजेंट ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स, सभी सेकेंडरी वेवलेट का टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब इस स्फीयर को, सभी स्फीयर को टच करती हुई कोई लाइन जाए, तो यहां से टच करती हुई क्या बना दो, एक लाइन बना, ठीक है, सही है, हाँ।
एट अ गिवन इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर, इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन नहीं, आगे की डायरेक्शन है, ठीक है, गिव द न्यू वेव फ्रंट. अब ये क्या बन रहा है, इस सोर्स द्वारा बना वेव फ्रंट ये है, और इस वेव फ्रंट के पार्टिकल द्वारा, ठीक है, समझो, सोर्स द्वारा जो बना वेव फ्रंट है ए बी है, प्राइमरी सोर्स द्वारा जो वेव फ्रंट बन रहा है ए बी बन रहा है. अब इस वेव फ्रंट के पार्टिकल द्वारा जो वेव फ्रंट बन रहा है वो ए डैश बी डैश बन रहा है, ठीक है, एक न्यू वेव फ्रंट बन रहा है, किसके द्वारा बन रहा है, इन पार्टिकल के द्वारा, इन पॉइंट्स के द्वारा, समझ में आया. तो वही द टेंजेंट ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स, तो यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स बन रही हैं, इन पे आप कोई टेंजेंट ड्रा करते हो, क्या ड्रा कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी टाइम, टू टाइम ने कितना मान लिया, टी मान लिया, एट गिवन इंस्टेंट, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की डायरेक्शन में, ठीक है, तो आगे के डायरेक्शन में जो आपका नया वेव फ्रंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, उसी टाइम से नया वेव फ्रंट हो जाएगा. ये वेव फ्रंट किसके द्वारा बनना है, आपके इन पॉइंट्स के द्वारा बनना है. तो ये हमारा क्या था, हाइगेंस प्रिंसिपल के कुछ कॉन्सेप्ट थे. अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्या, रिफ्लेक्शन, ठीक है, और रिफ्लेक्शन, हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करते हैं. बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, थैंक यू.